सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 13 नवंबर को संत स्टेनिस्लाउस कोस्का का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता पोलैंड राज्य के सीनेटर थे। वे अपने माता पिता की 7 संतानों में से दूसरे स्थान पर थे। जब वे 14 वर्ष के हुए तब वे और उनके बड़े भाई पॉल जेजुएट संस्था के नए खुले कॉलेज में दाखिल हुए। इन 3 सालों में जब तक वे दोनों साथ रहे, संत स्टेनिस्लाउस अपने विश्वास और प्रभु भक्ति में बढ़ते रहे। वहीं उनके भाई पॉल का रवैया वहां अपने दोस्तों के साथ ठीक नहीं था। उसी दौरान संत स्टेनिस्लाउस बहुत बीमार पड़ गए थे। एक बार उन्हें पवित्र भोज के इर्द गिर्द स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति करते दिखाई पड़े थे। उसके बाद उन्हें माता मरियम ने दर्शन दिया और उन्हें उनके बीमारी से पूरी तरह से चंगा कर दिया और उनसे एक जेजुएट पुरोहित बनने को कहा, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे एक पुरोहित बने, लेकिन फिर भी वे अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पुरोहित बन गए। और एक दिन वे चुपचाप बहुत सवेरे ही घर से निकल पड़े और जर्मनी में 450 मील की दूरी पर ऑक्सबर्ग के लिए पैदल ही निकल पड़े। वहां वे संत पीटर कैनिसियस से मिले, जो कि जर्मन प्रोविंशियल थे। उसके बाद उन्हें रोम भेजा गया, जो कि 800 मील दूर था। वहां भी वे पैदल ही गए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें फादर जनरल संत फ्रांसिस बोर्जिया के द्वारा नोविस बना दिया गया। अपने स्वभाव से जल्द ही उन्होंने सभी के दिलों को जीत लिया। प्रभु ने उन्हें कई अलौकिक उपकार भी प्रदान किए थे। नोविशेट के 10वें महीने में 10 अगस्त 1568 में वे बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उसके 5 दिन बाद माता मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व के दिन उन्होंने बुखार से दम तोड़ दिया। 31 दिसंबर 1726 ईस्वी में उन्हें संत घोषित किया गया। वे नोविसिस के और गंभीर बीमारी से पड़े हुओं के संरक्षक संत माने जाते हैं। आइए आज हम भी संत स्टेनिस्लाउस के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सब बीमारों को चंगाई दे और सभी नोविसिस को पुरोहित बनने के बाद प्रभु के कार्यों को करने का सामर्थ्य और साहस दें।